VN एडिटर के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वीडियोस में साउंड इफेक्ट कैसे लगाएंगे, VN में साउंड इफेक्ट का ऑप्शन आपको कहां पे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस VN एडिटर के अंदर आ जाना है, टाइमलाइन पे अपने वीडियोस को रख लेना है। जिस भी वीडियो में, जिस कैटेगरी की वीडियो आप बनाते हैं, जिस भी वीडियो में आपको साउंड इफेक्ट यूज करना है, उसको टाइमलाइन पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके, इसको आपको वीडियो को टाइमलाइन पे ले आना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखेंगे लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे आपको वॉल्यूम का ऑप्शन दिखेगा। वॉल्यूम के ऑप्शन के बाद आपको ये वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, फिर इमेज का ऑप्शन दिखेगा, टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, और ये आपको ऊपर म्यूजिक वाले ऑप्शन जो दिखेगा, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तीन ऑप्शन आएंगे, म्यूजिक, इफेक्ट और रिकॉर्ड। आपको इफेक्ट चाहिए तो आपको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इफेक्ट वाले पे। ये आप देखेंगे अब कैटेगरी वाइज यहाँ पे इफेक्ट आ गया है। सबसे पहले आपको कार्टून की कैटेगरी का इफेक्ट है, फास्ट स्विच है, फनी है, मशीन, रिंगिंग, व्हीकल, वेदर। जिस भी तरीके की आपकी वीडियो हो उस तरीके में आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपकी जो मैंने वीडियो डाला है उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ जी। जब आपकी एक वीडियो से दूसरी वीडियो, मतलब कोई नई सीन आती है, जो सीन ट्रांजिशन होता है, उसमें जो साउंड इफेक्ट यूज किए जाते हैं वो आपको इस वाली कैटेगरी में मिलेंगे, फास्ट स्विच में। इसको मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, एक बार आप इसको देख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दे दूँ। अब न्यूज वीडियो बनाना हुआ बहुत ही आसान, ना एडिटिंग की झंझट, ना रेंडर होने का इंतजार। आ गया NRM स्टूडियो मोबाइल ऐप। बस टेक्स्ट ऐड करिए और विजुअल अटैच करिए और लाइव बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ न्यूज को रिकॉर्ड करिए बहुत ही आसान स्टेप्स में। अभी डाउनलोड करें, इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ VN एडिटर में। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज, नाम वाइज यहाँ पे आपको ये इफेक्ट मिल जाएंगे। जैसे मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, ये अलग अलग तरीके का आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। जब भी आपकी स्क्रीन स्विच होती है, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे आप जाते हैं, तो वहाँ पे इन इफेक्ट का यूज किया जाता है। अब जैसे इस वाले को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप ये देखिए, अभी मैं आपका वीडियो पहले प्ले कर दे रहा हूँ, ये आपका वीडियो प्ले होगा। जब कभी भी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जैसे ही स्विच होगी, उसी जगह पे ये इफेक्ट यूज किया जाता है। आप जैसे आपकी यहाँ पे, इसके बाद आप ये देखिएगा, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन स्विच हो रही, तो वहीं पे ये इफेक्ट का यूज किया जाएगा। यहाँ पे आप इसको रखिए, इस पोजीशन पे आप अपना ये कर्सर रखिए और यहाँ पे आप म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, इफेक्ट पे क्लिक करिए, फास्ट स्विच पे क्लिक करिए और यहाँ पे अब आपने इसमें इफेक्ट लगा लिया है। अब जब भी आपकी जो ये पहली वाली स्क्रीन है ये स्विच होगी, दूसरी स्क्रीन आएगी, तो वहाँ पे साउंड इफेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। अब आप देखिएगा, यहाँ पे मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे ही आपकी स्क्रीन स्विच हुई वैसे ही आपका साउंड इफेक्ट भी, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। जैसे ही आपकी स्क्रीन स्विच होती है तो व्यूअर्स को समझ आता है कि स्क्रीन स्विच हो गई है, दूसरी स्क्रीन हमारे सामने आ गई है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा साउंड इफेक्ट है वो आप देख लीजिए। इसमें जैसे आप मान लीजिए मशीन में आप देख लीजिए, जैसे कीबोर्ड का आपको काम है, कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, तो उस पोजीशन पे आपको यहाँ पे मशीन वाले ऑप्शन से यहाँ पे जितने भी आपके कीबोर्ड हैं, छोटा टेक्स्ट अगर आप लिख रहे हैं 1 से 2 सेकंड का, तो उसके लिए है ये, ठीक है। अगर आप कुछ ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो उसके लिए ये चौक वाला इफेक्ट है लिखने के लिए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फनी वाले इफेक्ट में आप आएंगे तो फनी वाले इफेक्ट में आपको यहाँ पे देखिए, ये ऐसा इफेक्ट आपने कई बार देखा होगा वीडियोस में आपको मिलता है, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये ओरिजिनल है या फिर किसी ऐप के थ्रू डाली गई है। यहाँ पर VN एक बहुत बेहतरीन एडिटिंग ऐप है, इसकी मदद से आप साउंड इफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से अपनी वीडियोज़ में लगा सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियोस में वेदर इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो वेदर इफेक्ट में आपको रेन का मिल जाएगा, अगर बारिश जैसे हो रही है उस तरीके का। अगर बादल गरज रहे हैं तो थंडर वाला इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
जैसे मान लीजिए आप अपनी वीडियोस में दिखाना चाह रहे हैं बारिश हो रही है, वहाँ पे कोई सीन है बारिश का, तो उसमें उस पोजीशन पे आप ये वाला इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं वेदर में। ठीक है, फनी इफ़ेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है। कार्टून में आप एक बार देख लीजिए किस तरीके के इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे। ये बहुत ही लिटिल बिट इफेक्ट, आपको ऐसे इफेक्ट आपने कई बार देखे होंगे। ठीक है, व्हीकल वाले इफेक्ट में आप देख लीजिए हॉर्न का इफेक्ट है, कार जब मूविंग होती है उसका इफेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जिनको आप अपने वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। और यूज कैसे करना है, जहाँ पे आपकी ये स्क्रीन स्विच होगी, जैसे आप इस पोजीशन पे आप देखें, ये जैसे ही आपकी ये स्क्रीन स्विच होगी, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, इस पोजीशन पे आप आइए, ये तो इसको आपको कर्सर को इस पोजीशन पे रखना है जहाँ पे ये स्विच होने वाला हो। म्यूजिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे आना है। इफेक्ट पे आने के बाद आपको ये फास्ट स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इफेक्ट आप यहाँ से लगाना चाह रहे हो वो इफेक्ट आप यहाँ से लगा सकते हैं। यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो आ जाएगा। अब इसको एक बार आप प्ले करके देख लीजिए, जैसे स्क्रीन स्विच होगी इमीडिएट ये इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इफेक्ट्स। और इसमें थोड़ी सी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, जो इफेक्ट आप यहाँ पे लगाएंगे उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ऊपर ये ऑप्शन आपको शो होने लगेंगे, इसमें आपका रिप्लेस बिट्स की फ्रेम ऑप्शन, लॉक, डुप्लीकेट, डिलीट, ये ऑप्शन दिखेंगे। इसमें आपको ऑप्शन वाले जो बटन है उस पर क्लिक करना है। उस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टाइम फ्रेम दिख जाएगा, कितने टाइम फ्रेम के लिए आप वो इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं, ये सेकेंड्स में है। ठीक है, इसकी आप वैल्यूम को मैनेज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं वैल्यूम को। फेड इन और फेड आउट का इफेक्ट भी आप इसमें लगा सकते हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप वैल्यूम कम कर देंगे उसके बाद आप प्ले करके देखिए, वैल्यूम बढ़ा दीजिए उसके बाद प्ले करके देखिए, सभी तरीके का इसमें आपको सेटिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी साउंड की जो सेटिंग्स है वीएन एडिटर के अंदर, जो साउंड इफेक्ट्स हैं कैसे अपने वीडियोस के अंदर आप यूज कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में आप वीडियो बनाते हो सारे यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसकी मदद से आप यहाँ पे ये वीडियोस के अंदर इफेक्ट को आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अनारम स्टूडियो पे। धन्यवाद।